तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोकल अट्रैक्शंस रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होगा टेक्निक 2 के ऊपर। टेक्निक 1 से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम टेक्निक 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा सर्विंग का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके आगे हम जो हमारा मैकेनिक्स का पार्ट बच गया था वो हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, और रिमेनिंग पार्ट उसके बाद हम सर्विंग का डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बेयरिंग्स आर टेकन ऑन अ क्लोज ट्रैवर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ एक क्लोज ट्रैवर्स की बेयरिंग्स दी हुई है, ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ई ए, उनकी फोर बेयरिंग्स एंड बैक बेयरिंग्स हमें दिया हुआ है। कंप्यूट द इंटरनल एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर्स। एज्यूमिंग द ऑब्जर्व बेयरिंग्स ऑफ द लाइन सी डी टू बी करेक्ट, एडजस्ट द बेयरिंग्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पूछा गया है कंप्यूट द इंटरनल एंगल्स, तो यहाँ पर हमें इंटरनल एंगल्स फाइंड करने हैं। दोस्तों, इंटरनल एंगल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियसली वीडियो बना के रखा है, उसको आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। देन इसमें आगे हमें दिया हुआ है करेक्ट देम, यानी कि करेक्ट द इंटरनल एंगल्स फॉर द ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर्स दोस्तों, हमें क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशनल एरर बताया गया, मतलब ये जो हमने बेयरिंग्स ऑब्जर्व किए उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशनल एरर्स है। ओके, एज्यूमिंग द ऑब्जर्व बेयरिंग्स ऑफ द लाइन सी डी टू बी करेक्ट, एडजस्ट द बेयरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ लाइन सी डी जो है, ये वाली लाइन, इसकी फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग करेक्ट है। ओके, तो ऐसा क्यों बताया गया है हमें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सी डी की बैक बेयरिंग एंड फोर बेयरिंग के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, बैक बेयरिंग 350 डिग्री 50 मिनट्स माइनस 170 डिग्री 50 मिनट्स, तो ये डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब स्टेशन सी एंड डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये प्रॉब्लम हमारा लोकल अट्रैक्शन से रिलेटेड है, राइट। तो सी डी एंड सी डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है, राइट। तो अभी हमें सी डी का यूज करके और इंटरनल एंगल्स का यूज करके हमें करेक्टेड बेयरिंग्स फाइंड करनी, ये तो ऑब्जर्वेशनल बेयरिंग है, करेक्टेड बेयरिंग्स फाइंड करनी। तो देखते हैं हम आंसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फिगर बना लेता हूँ ट्रैवर्स का और अच्छे से समझने के लिए। तो लाइन ए बी की फोर बेयरिंग है 80 डिग्री 10 मिनट्स, कुछ ऐसा ए बी। बी सी की फोर बेयरिंग है 120 डिग्री 20 मिनट्स, यानी कि कुछ इस फैशन में होगी वो। सी सी डी की फोर बेयरिंग है 170 डिग्री 50 मिनट्स, देन डी की फोर बेयरिंग है 230 डिग्री 10 मिनट्स, एंड ई ए की फोर बेयरिंग है 310 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रफली क्लोज ट्रैवर्स बना लिया है। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था टेक्निक 2 जो है वो आपकी स्ट्रिक्टली क्लोज ट्रैवर्स के लिए आपको फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हमें इंटरनल एंगल्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंटरनल एंगल फॉर्म हो रहे हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो सबसे पहले मैं एक और भी बता देता हूँ दोस्तों कि हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमें इन ऑब्जर्वेशनल बेयरिंग्स का यूज करके हमें ये एंगल्स फाइंड करने हैं, राइट। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था गया फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर्स, इसका मतलब जो भी हम इंटरनल एंगल्स फाइंड करने वाले इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशनल एरर्स होगा, वो हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं, वो मैं बता दूं आपको कैसे करेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें एरर्स अप्लाई करने के बाद करेक्टेड इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे, राइट। तो उन्हीं इंटीरियर एंगल्स का यूज करके, करेक्टेड इंटीरियर एंगल्स का यूज करके हमें करेक्टेड बेयरिंग्स निकालना है, राइट। आई होप आपको समझ में आया, देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इंटीरियर एंगल्स फाइंड करेंगे। अगर आपने वो वीडियो हमारी देखी होगी तो हमें एक फॉर्मूला पता है, तो दोस्तों उस फॉर्मूला का वो फॉर्मूला है हमारे पास। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला का यूज करके हम इजीली किसी भी सर्वे का, सॉरी ट्रैवर्स का इंक्लूड एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एंगल बी को फाइंड करेंगे। तो एंगल बी के लिए दोस्तों, प्रीवियस लाइन होगी ए बी, नेक्स्ट लाइन होगी बी सी, राइट। तो एंगल बी, बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, सो बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी आपको यहां से मिल जाएगी 259 डिग्री, माइनस फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन
नेक्स्ट लाइन है बी सी, बी सी की फोर बेरिंग 120 डिग्री 20 मिनट्स, तो एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों 138 डिग्री 40 मिनट्स। यही फॉर्मूला का आपको यूज आगे भी करना है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल सी, तो एंगल सी के लिए दोस्तों ये हो गया एंगल सी। एंगल सी के लिए प्रीवियस लाइन है बी सी, सो बैक बेरिंग ऑफ बी सी, तो बी सी की बैक बेरिंग आपको यहां से मिल जाएगी 301 डिग्री 50 मिनट्स, 301 डिग्री 50 मिनट्स। माइनस एंगल सी के लिए नेक्स्ट लाइन है सी डी, सो सी डी की फोर बेरिंग, तो सी डी की फोर बेरिंग है 170 डिग्री 50 मिनट्स। तो इसका आंसर आता है दोस्तों 131 डिग्री। नेक्स्ट एंगल डी के लिए देखते हैं, ये हो गया आपका एंगल डी। एंगल डी के लिए प्रीवियस लाइन सी डी है, सो सी डी की बैक बेरिंग, सो सी डी की बैक बेरिंग सॉरी ये वाली 350 डिग्री 50 मिनट्स। माइनस एंगल डी के लिए नेक्स्ट लाइन होगी डी ई, सो डी ई की फोर बेरिंग, सो डी ई लाइन की फोर बेरिंग ये होगी 230 डिग्री 10 मिनट्स। दोस्तों एंगल डी की वैल्यू आती है हमारे पास 120 डिग्री 40 मिनट्स। नेक्स्ट फोर्थ के लिए, फोर्थ हम फाइंड करेंगे एंगल डी के बाद एंगल ई। तो यहां पर देखिए एंगल ई के लिए प्रीवियस लाइन होगी डी ई, सो यहां पर से डी ई की बैक बेरिंग है 49 डिग्री 30 मिनट्स, 49 डिग्री 30 मिनट्स। माइनस एंगल ई के लिए नेक्स्ट लाइन है ई ए, सो ई ए की फोर बेरिंग राइट, सो ई ए की फोर बेरिंग 310 डिग्री 20 मिनट्स। बट दोस्तों अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर दोस्तों आता है नेगेटिव। दोस्तों अगर आपने वो एंगल्स फाइंड करने की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने बताया अगर कोई भी आंसर आपका नेगेटिव आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एडिशन में 360 डिग्री लिख लेना है, ठीक है। ये सिर्फ एक ज्योमेट्रिक करेक्शन ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो, बट रफली आपको 360 डिग्री ऐड कर सकते हो। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एंगल ई की वैल्यू आती है दोस्तों 99 डिग्री एंड 10 मिनट्स। ओके सो लास्ट एंगल बचता है हमारे पास एंगल ए। सो एंगल ए के लिए बैक बेरिंग यानी कि प्रीवियस लाइन होगी ई ए, सो ई ए की बैक बेरिंग तो यहाँ पर से हमें मिल जाएगी ई ए की बैक बेरिंग 130 डिग्री 15 मिनट्स, 130 डिग्री 15 मिनट्स। माइनस एंगल ए के लिए नेक्स्ट लाइन एंगल सॉरी ए बी होगी, सो ए बी की फोर बेरिंग, सो ए बी लाइन की फोर बेरिंग है 80 डिग्री 10 मिनट्स, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 80 डिग्री 10 मिनट्स। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो दोस्तों तो आपके पास आंसर आएगा 50 डिग्री 5 मिनट्स। ओके तो जैसा कि देख सकते हो आप सिंपल दोस्तों हमने एक ही फॉर्मूला को यूज करके इजीली सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। बट दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो बेरिंग्स है उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशनल एरर है, तो ये कन्फर्म है कि ये जो एंगल्स है वो उसमें भी कोई ना कोई एरर होने वाला है। तो एरर चेक करने के लिए मैंने एक करेक्शन आपको बताया था, वो करेक्शन है दोस्तों 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू, इसमें n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 5, ठीक है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं 2 × 5 − 4 × 90 डिग्री, तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 and 540 डिग्री इसका आंसर आता है। ओके तो एक तो ये हो गया ना। अभी हम क्या करते हैं, ये सारे एंगल्स की एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो अगर हम एल्जेब्रिक सम करेंगे इन सारे एंगल्स की तो इसका आंसर आता है दोस्तों 539 डिग्री 35 मिनट्स। आप करके भी देख सकते हो आंसर यही आएगा। तो एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए था 540 डिग्री, बट ड्यू टू दीज ऑब्जर्वेशनल एरर्स आंसर आ रहा है 539 डिग्री 35 मिनट्स, राइट। तो हमें इजीली यहां पर से एरर मिल जाएगी, तो हम एरर लिखते हैं यहां पर 540 डिग्री माइनस 539 डिग्री 35 मिनट्स।
तो यहाँ पर हमें दोस्तों एरर कितना मिल रहा है, 25 मिनट्स का, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों 25 डिग्री इतना कम ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ऑब्जर्वेशनल एरर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 25 मिनट्स को म्यूचुअली इन पांचों एंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें करेक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास एंगल 5 है और 25 मिनट्स का टोटल एरर है, तो हम ईच एंगल में 5 मिनट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 25 डिवाइड बाई 5 इज नथिंग बट 5। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ करेक्टेड एंगल्स। तो दोस्तों ये तो हमने ऑब्जर्व किए हुए एंगल्स थे, तो अभी हम करेक्टेड एंगल्स फाइंड करेंगे। तो करेक्टेड एंगल्स फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ ये जो हमारे पास एंगल्स हैं इनमें सिर्फ 5-5 मिनट्स का करेक्शन अप्लाई करना है, राइट। तो सबसे पहले हम एंगल बी देखते हैं, तो एंगल बी में 5 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 5 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा 138 डिग्री 45 मिनट्स। नेक्स्ट एंगल सी, एंगल सी में भी आपको 5 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर आएगा 131 डिग्री 5 मिनट्स। एंगल डी 120 डिग्री 40 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स, सो 120 डिग्री 45 मिनट्स। एंगल ई 99 डिग्री 10 मिनट्स, करेक्शन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 99 डिग्री 15 मिनट्स। एंगल ए के लिए प्रीवियसली वैल्यू थी 50 डिग्री 5 मिनट्स, करेक्शन अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 50 डिग्री एंड 10 मिनट्स। तो दोस्तों हमने करेक्टेड एंगल्स फाइंड कर लिए। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने ये बताया था, अगर आपका एरर पॉजिटिव आता है तो आपका करेक्शन निगेटिव आएगा, बट दोस्तों यहाँ पर मैंने करेक्शन पॉजिटिव ही अप्लाई किया है। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हमारा क्लोज ट्रैवल से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये उस टेक वो टेक्निकल है, ये टेक्निकल है, राइट। तो इसीलिए मैंने 5 डिग्री प्लस किया है सारे एंगल्स में, क्योंकि हमारा टोटल करेक्शन 25 मिनट्स का था। तो अभी हम दोस्तों ये जो हमें करेक्टेड एंगल्स मिल गए हैं, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी ये एंगल्स हैं वो एग्जैक्टली 100% करेक्ट है। तो अगर हमारे पास ये एंगल्स करेक्ट है, तो उन एंगल्स का यूज करके हम बेरिंग्स भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारी करेक्ट होने वाली है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम सिंपली इन करेक्टेड एंगल्स का यूज करके बेरिंग्स को फाइंड करेंगे, राइट। तो दोस्तों बेरिंग्स को फाइंड करने के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। उसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो होगा दोस्तों, तो यहां पर अभी हम करेक्टेड बेरिंग्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं दोस्तों, जनरली ये फॉर्मूला होता है आपका, सो बेरिंग ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था, लाइन सी डी टू बी करेक्ट। तो हमें अज्यूम करना है कि लाइन सी डी करेक्ट है, वो हमने डिस्कस भी किया, क्योंकि क्यों करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंस 180 डिग्री है। तो हम जो हमारे बेरिंग्स के कैलकुलेशन है वो भी लाइन सी डी से ही स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले सी डी तो करेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम डी ई को फाइंड करेंगे, लाइन डी ई की बेरिंग को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ फोर बेरिंग ऑफ डी ई। तो फोर बेरिंग ऑफ डी ई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। यहाँ पर देखिए फिगर में आपकी डी ई लाइन ये है, तो इसकी प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, सी डी। सो सी डी की बैक बेरिंग, ठीक है। तो सी डी की बैक बेरिंग आपको यहां से मिल जाएगी दोस्तों, सी डी की बैक बेरिंग 350 डिग्री 50 मिनट्स, 350 डिग्री 50 मिनट्स माइनस इंक्लूडेड एंगल। अभी देखिए इंक्लूड एंगल कौन सा होगा दोस्तों, डी, क्योंकि डी फाइंड कर रहे हैं हम, तो डी हमारा इंक्लूड एंगल बन जाएगा। सो एंगल डी आपको यहां से मिल जाएगा, करेक्टेड एंगल्स, राइट। एंगल डी 120 डिग्री 45 मिनट्स। तो यहां पर से फोर बेरिंग ऑफ डी ई आपको मिल जाएगी दोस्तों, 230 डिग्री एंड 5 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसकी हम एट द सेम टाइम बैक बेरिंग भी निकाल लेते हैं। बैक बेरिंग ऑफ डी ई आपको पता है हम कैसे फाइंड करते हैं, 230 डिग्री 5 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो इसका आंसर आता है दोस्तों 50 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। तो लाइन डी तो हमें मिल गई, यानी कि अभी हमें एग्जैक्टली करेक्टेड बेरिंग मिल गई। नेक्स्ट तो डी तो हो गया, अभी हम ई ए के लिए फाइंड करते हैं। तो ई ए की फोर बेरिंग निकाल दें, सो फोर बेरिंग ऑफ ई ए, तो फिगर देखते हैं, तो ये हो गई आपकी ई ए। ई ए के लिए बैक
सॉरी प्रीवियस लाइन कौन सी होगी दोस्तों, डी ई होगी, राइट। सो डी ई की प्री बैक बेरिंग, सो आपको वो यहाँ से मिल जाएगी डी ई की बैक बेरिंग, ठीक है। बट अभी हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं अभी हमें करेक्टेड वैल्यू लेनी है, राइट। तो बैक बेरिंग ऑफ डी होगी 50 डिग्री 5 मिनट्स माइनस इंक्लूड एंगल, फॉर्मूले का यूज करके हम जा रहे हैं, ओके। माइनस इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल कौन सा लेना पड़ेगा दोस्तों अभी आपको, एंगल ई। तो एंगल ई की वैल्यू है 99 डिग्री 50 मिनट्स, 99 डिग्री 15 मिनट्स। बट दोस्तों अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आंसर निगेटिव आएगा, ठीक है। प्रीवियसली मैंने बता दिया अगर आपको ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लस 360 डिग्री करना है, राइट। तो दोस्तों अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आता है दोस्तों 310 डिग्री 50 मिनट्स, ठीक है। तो एट द सेम टाइम हम बैक बेरिंग में निकाल लेते हैं, बैक बेरिंग ऑफ ई ये आपको 310 50 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, दोस्तों इसका आंसर आता है 130 डिग्री 50 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये के लिए भी फाइंड कर लिया, अभी हम ए बी के लिए फाइंड करते हैं। नाउ फोर पेयरिंग ऑफ ए बी, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फिगर में देखते हैं। ये हो गई आपकी लाइन ए बी, इसकी प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, ई ए, राइट। ई ए लाइन होगी, सो ई ए की बैक बेरिंग तो वो आपको यहाँ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। ई ए की बैक बेरिंग होगी 130 डिग्री 50 मिनट्स माइनस इंक्लूड एंगल, अभी यहाँ पर आपको इंक्लूड एंगल, एंगल ए को यूज़ करना है। तो एंगल ए के लिए वैल्यू है 50 डिग्री 10 मिनट्स, 50 डिग्री 10 मिनट्स। तो यहाँ पर से अभी हमें वैल्यू मिलती है दोस्तों फोर बेरिंग ऑफ ए बी 80 डिग्री 40 मिनट्स, ठीक है। बैक बेरिंग में निकाल लेते हैं तो 80 डिग्री 40 मिनट्स, यहाँ पर प्लस 180 डिग्री करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू 180 डिग्री से कम है। तो इसका आंसर आता है दोस्तों 260 डिग्री 40 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने ए बी के लिए भी फाइंड कर लिया, अब बचा सिर्फ बी सी। तो बी सी के लिए देखते हैं, फोर बेरिंग ऑफ फोर्थ बी सी, तो फिगर में देखिए दोस्तों बी सी, बी सी के लिए प्रीवियस लाइन कौन सी होगी, ए बी। सो ए बी की बैक बेरिंग लेना पड़ेगा, सो ए बी की बैक बेरिंग हमें यहाँ से मिल जाएगी, बैक बेरिंग ऑफ ए बी 260 डिग्री 40 मिनट्स, 260 डिग्री 40 मिनट्स माइनस फॉर्मूला क्या था दोस्तों हमारा, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस इंक्लूड एंगल। तो इंक्लूड एंगल कौन सा लेंगे अभी हम, तो अभी हम इंक्लूड एंगल लेंगे एंगल बी को। एंगल बी, एंगल बी की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 138 डिग्री 45 मिनट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल बी 138 डिग्री 45 मिनट्स। दोस्तों अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 121 डिग्री 55 मिनट्स। बैक बेरिंग भी निकाल लेते हैं इसकी, तो दोस्तों इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आता है 301 डिग्री 55 डिग्री, ओके। नाउ बीसी भी निकाल लिया, तो सीडी तो हमारी लाइन करेक्ट है। बट दोस्तों आपने ये जो आंसर फाइंड किए सारे बेरिंग्स के लिए वो करेक्ट है या नहीं उसके लिए एक चेक तो बनता ही है। तो हम एक्स्ट्रा सीडी की भी फोर बेरिंग निकाल लेते हैं, अगर वो 170 डिग्री 50 मिनट्स आई तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है। सो फोर बेरिंग ऑफ सीडी, तो दोस्तों सीडी के लिए, सीडी लाइन के लिए बैक प्रीवियस लाइन होगी बीसी, ठीक है। सो बैक बेरिंग ऑफ बीसी, तो बैक बेरिंग ऑफ बीसी है 301 डिग्री 55 मिनट्स माइनस इंक्लूड एंगल कौन सा लोगे दोस्तों आप, एंगल सी लोगे, ओके। सो एंगल सी की वैल्यू है हमारे पास 131 डिग्री 5 मिनट्स, लेट मी चेक, ओके राइट 131 डिग्री एंड 5 मिनट्स। तो यहाँ पर 131 डिग्री 5 मिनट्स, तो अगर आप दोस्तों इसे कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आता है दोस्तों 170 डिग्री 50 मिनट्स। देखिए बैक बेरिंग सॉरी फोर बेरिंग ऑफ सीडी मिल गया आपको 170 डिग्री 50 मिनट्स और आपको गिवन भी 170 डिग्री 50 मिनट्स है। तो इसका आंसर, इसका मतलब दोस्तों आपने जो आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों कुछ सीक्वेंस ऐसा होगा दोस्तों आपका, आपको गिवन थी रॉन्ग बेरिंग्स, रॉन्ग बेरिंग्स, रॉन्ग बेरिंग्स का यूज करके आपने रॉन्ग एंगल्स फाइंड किए, राइट। रॉन्ग एंगल्स में आपने एरर्स अप्लाई करके करेक्टेड एंगल्स फाइंड किए, ठीक है, और करेक्टेड एंगल्स में का यूज करके आपने करेक्टेड बेरिंग्स फाइंड किए। दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।